इस वक्त हमारे साथ रजा साहब मौजूद हैं, राना शहजाद साहब मौजूद हैं और इनसे जांचते हैं कि हालात में कितनी बेहतरी इन्होंने देखी, क्योंकि जो लेन चलने के लिए थी वो तो अभी भी सिंगल लेन है। ऑपरेशन से पहले भी शाहआलम मार्केट में सिंगल लेन आपको दस्तयाब थी और आप सिंगल लेन पर सफ़र करते थे। यहाँ आपको मैं दिखा सकता हूँ कि ये बाइक्स देख सकते हैं आप, ये आप देखें कि इन प्लाजों के बाहर और इन दुकानों के बाहर आपको गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ और ये बाइक्स नज़र आएंगी। और ये एक दो बाइक्स नहीं है, शाहआलम मार्केट में हज़ारों की तादाद में आपको बाइक्स नज़र आएंगी जो यहाँ लोगों का रास्ता रोके हुए हैं और सैकड़ों की तादाद। क्या फ़र्क पड़ा आपके पास, पहले भी सिंगल लेन थी सड़क चलवाने के लिए? इसका जो शालमी मार्केट का जो सबसे अहम पहलू है वो ये है कि यहाँ पर सिर्फ डी प्लाजा सिर्फ एक ही है, पार्किंग प्लाजा, जिसके अंदर सिर्फ चंद सौ मोटरसाइकिलें और चंद गाड़ियाँ खड़ी होने की गुंजाइश है। इसके अलावा इधर शालमी मार्केट में कोई पार्किंग के लिए कोई जगह नहीं है। शालमी मार्केट सराउंडेड सारा ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, हत्ता कि यहाँ पर ना कोई सर्विस रोड है और ना ही डी प्लाजा के अलावा कोई और जगह है पार्किंग के लिए। अगर कोई गाड़ी यहाँ से लिफ्ट कर लें तो वो सबसे बड़ा मसला यही होता है कि उसे रखने कहाँ है, उसे लिफ्ट करके रखना कहाँ पर है। बिल्कुल सही बात है। ये शहजाद साहब, मुझे राणा साहब ये बताइए कि आपको काम करते हुए कोई सहूलत का सामना तो करना नहीं पड़ा, हालात तो जूं के तूं हैं, क्योंकि बाहर सड़कों पे इंतजामिया की जानिब से कुछ इंप्लीमेंट नहीं किया गया। ये ट्रैफिक के मसाइल उसी तरह, ये गाड़ियां मसाइल उसी तरह और ये बाइक्स जो है वो हज़ारों की तादाद में बाइक्स जो है यहाँ उसी तरह पार्क की जाती हैं, तो क्या फ़ायदा हुआ, क्या फ़र्क पड़ा है ऑपरेशन के बाद? ऑपरेशन के बाद 20% फ़र्क पड़ा है थोड़ा सा, क्योंकि ये इंक्रोचमेंट थी, दुकानों वालों ने बाहर रखा हुआ था सामान उससे। सड़क के ऊपर जो इंक्रोचमेंट थी उसमें क्या फ़र्क पड़ा है? सड़क के ऊपर पार्किंग ना होने की वजह से ये सारा मसला है। पार्किंग प्लाजा होगा तो इंशाल्लाह ताला ये सारा रोड क्लियर होगा। बाकी हैंड कार्ट है यहाँ पे, हाथ वाली रेहड़ियाँ हैं, उससे मसला है, वो सामान लोड लेके जाती हैं, लोडिंग अनलोडिंग होती है दिन में, वो प्रॉब्लम करती है ट्रैफिक में। अच्छा, बाकी हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, ड्यूटी मौजूद है, ट्रैफिक के फ्लो को बेहतर करने के लिए हम काम कर रहे हैं। आपको जब लेन ही सिंगल देंगे तो आप क्या बेहतर करेंगे उसमें, तो हम भी नहीं हो सकता, हम वो तो डबल लेन दें तो बेहतर हो जाए, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको फ्लो को जरा बेहतर बनाएं, कोशिश करते हैं गाड़ी लिफ्ट करें, उठाएं, लिफ्ट करने के बाद रखेंगे कहाँ? हाँ जी, वो अज़ाब है, वो पॉइंट नहीं है। देखिए ना, यहाँ से 300 मीटर है यू टर्न, 1.5 घंटा लगता है यू टर्न लेके आते हुए। ऐसा ही है, ऐसा ही है, जो ट्रैफिक में फंस गया वो गया और सारा दिन ट्रैफिक ब्लॉकेज। और आप अपने पल्ले से सड़क तो नहीं डाल सकते ना, ये तो सड़क मिलेगी तो आप रूहानी मुतासिर बचा सकेंगे, सड़क मिलेगी तो फिर ही ना। बिल्कुल रजा साहब, पल्ले से सड़क तो नहीं डाल सकते वार्डन हजरात, पुलिस फोर्स हमारी जो है, जो वार्डन सिक्योरिटी फोर्स है, मार्केट होती है, मार्केट का ये उसूल होता है, जो उसका एंट्री पॉइंट होता है वहाँ पर पार्किंग का मुनासिब बंदोबस्त हो। जो शालम मार्केट और ये सारी मार्केट का जो सबसे बड़ा इशू है, इधर इशू ये एक है कि इधर पार्किंग के लिए कोई जगह नहीं, मासवा एक डी प्लाजा है, डी प्लाजा आप जानते हैं उसके अंदर अब वो सारी की सारी पार्किंग की वजह से आपको सिंगल लेन मुयसर है। बिल्कुल सर, बड़ी गाड़ी एक ही चल सकती है, इसमें सिंगल लेन है। सिंगल लेन सर, वो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ से गाड़ी को लिफ्ट करके उसे रखेंगे किस जगह पे, तो यहाँ पर गवर्नमेंट को चाहिए कि कम से कम 2 से 3 पार्किंग प्लाजे होने चाहिए जो मार्केट के एंट्री पॉइंट पर हो। मेरे साथ साथ आप देखते जाएं जी, यहाँ सूरत हाल क्या है, ये ऑपरेशन के बाद की सूरत हाल है। मेरे साथ आए कैमरामैन साहब, आपको दिखाएं कि यहाँ अगर आप खड़े हों तो इस जगह से अगर आप अतराफ देखना शुरू कर दें, राइट एंड लेफ्ट देखना शुरू कर दें, ये जंजीर उसी तरह लगी आपको दिखाई देगी, लोगों की ये जंजीरियाँ जो हैं वो इसी तरह लगी, राइट एंड लेफ्ट आपको थ्रू आउट इधर पार्किंग जो है वो सरेआम, चूँकि पार्किंग प्लाजाज नहीं है, पार्किंग प्लाजाज होंगे तो ये सारी की सारी जगह जो है वो वाहगुजार करवाई जा सकेगी, देन अदरवाइज इस पर कब्जा है, उसी तरह कब्जा है जिस तरह आपके कॉरिडोर्स पर बरामदों में कब्जा था, और उन कब्जों को वाहगुजार करवाने के लिए जो है वो बड़े पैमाने पर जस्टिस साहब की जानिब से अहकाम दिए गए। ये देखें, ये सैकड़ों बाइक्स हैं, एक जगह की दास्तान नहीं आपको बता रहे, ये आप हजारों की तादाद में कितने बाइक्स हैं यहाँ पे, ठीक है ना, कोई पार्किंग प्लाजा नहीं है यहाँ पे, जिस वजह से यहाँ पे लोग सड़कों पे बाइक खड़ी करते हैं और लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हजारों बाइक्स हैं जी, ये सैकड़ों नहीं है और हजार भी कई हजार है, कोई चंद हजार नहीं है। ये सब मोटरसाइकिल वाला खत्म करो तो गाड़ी में डालो, तब्दीली आएगा फिर, ठीक है, मुश्किल काम है जी मजदूर भाइयों का। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं हमारे लेफ्ट और राइट पे ये चौक हो जाता है निज़ाम इस वक्त, ट्रैफिक का निज़ाम अगर कैमरामैन दिखाएं तो आपको ट्रैफिक का निज़ाम चौक नज़र आएगा दोनों तरफ सड़क के। उसकी बड़ी वजह कि सड़क के ऊपर उसी तरीके से कब्जा मौजूद है, कब्जा है पार्किंग्स का,
वो सारे के सारे अफराद जो यहाँ काम करने आते हैं उन्होंने अपनी गाड़ियाँ लगाना होती हैं, बाइक्स लगानी होती हैं, और जो बाहर से परचेज़ करने आते हैं, जो लोग मुसाफिर हैं, जो यहाँ से कुछ ख़रीदना चाहते हैं, जो ख़रीदार हैं, वो अफराद भी यहाँ आकर अपनी पार्किंग करते हैं। लिहाजा किसी तरह का कोई फैसिलिटी मुयसर नहीं है कि यहाँ लोग जो हैं पार्किंग कर सकें, और उसकी वजह से ये देखें 20-20 फीट 25-25 फीट जो है वो कब्ज़ा मौजूद है। बड़ी गाड़ियाँ हों, छोटी गाड़ियाँ हों, या वो बाइक्स हों, और इनकी तादाद भी हज़ारों में है, और इस तादाद की वजह से लोगों को मसाइल जो हैं वो जूं के तूं हैं। और सबसे बढ़कर दोनों अतराफ आपको सड़क पर किसी तरह की ट्रैफिक जो है वो तेज़ी से चलती दिखाई नहीं देगी। अगर ये पूरा रोड फ्री हो जाए तो डबल डेकर बस यहाँ चल सकती है जो यहाँ चला करती थी, और एशिया की सबसे बड़ी मार्केट और इसे खूबसूरत तरीन मार्केट होने का शर्फ भी हासिल हो जाएगा अगर यहाँ अतराफ में सूरत हाल को कंट्रोल में लाया जा सके। यहाँ आप देखें, ये इधर आइए मेरे कैमरामैन साहब, ये चिंगजी रिक्शे खड़े हैं, रिक्शों के आगे ये लोडिंग हो रही है। इसके अलावा लोडिंग का कोई खास टाइम मुतय्यन नहीं है। ये साथ आपको पार्किंग नज़र आएंगी, ये गाड़ियों की लंबी कतारें नज़र आएंगी। कॉरिडोर्स पर कब्ज़ा जो है उसे वागुजार करवाया जा चुका, उसमें काफ़ी बेहतरी आई, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी जो है वापस गई। हाँ जी, डी प्लाजा जाके आपको हालात दिखाते हैं जी। वहाँ पार्किंग प्लाजा जो कायम है उसे प्रॉपर यूटिलाइज अगर किया भी जाता है तो वो बहुत कम जगह है, जिसकी वजह से लोगों को सड़कों पर फिर सुस्त रवि की सूरत में ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है, और सुस्त ट्रैफिक जो है वो लोगों को फेस करना पड़ती है। और इसकी वजह से यहाँ एम्बुलेंसेस, पुलिस फोर्सेस, ये आप देखें, अब ये आप देख सकते हैं, ये लोडिंग क्या जी, ये हाथ वाली रेडी है, लोडिंग अनलोडिंग इन्होंने इसी पे करनी है। ताजर हजरात जो सामान भाई, इसका कोई टाइम नहीं मुतय्यन किया उन्होंने? टाइम कोई नहीं मुतय्यन है। तो ये तो ट्रैफिक की रवानी का मुतासिर कर देगी, ये आगे भी चलेगी, भी आगे भी चलेगी तो इसके पीछे पीछे ट्रैफिक चलती जाएगी। ये मसलन कोई डिसिप्लिन कोई नहीं, पार्किंग प्लाजा 2-4 पार्किंग प्लाजा की जरूरत है, इनको एजुकेट करने की जरूरत है, सिस्टम बड़ा अच्छा हो जाएगा। इंक्रोचमेंट जो उठाई है उसका फायदा नहीं हुआ, नहीं वो तो सड़क पे फायदा नहीं होगा ना। हाँ। वो तो हुकूमत को अरबों रुपए की जमीन वापस मिली, जब तक इनको एजुकेट ना किया जाए बिल्कुल कोई फायदा नहीं है। मतलब कि हाथ वाली रेडी भी यहाँ पे जा रही है, सब लोग यहाँ पे, अब देखे ना सड़क वहाँ से यहाँ तक है, सड़क इतनी सी रह गई है, जब तक इनको प्रॉपर एजुकेट ना किया जाए। सिंगल लेन चलती है, अब ये राणा साहब जो है सड़क पल्ले से डाल के लोगों को तो नहीं दे सकते ना, बड़ा मेहनत कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये अकेले नहीं कर सकते, जब तक आवाम साथ रहना दे। नहीं, उनको 25 फीट जगह भी तो देना गाड़ी चलवाने के लिए, वो कहाँ से लाएंगे जगह? ये देखें, ताजर हजरात हैं, एक एक गाड़ी उनकी अपनी है, वो खुद कर सकते हैं, फिर उनके कस्टमर भी हैं साथ, हम तो कार्रवाई करते हैं। फिर ये देखें, अब उनकी जगह है, आगे अपनी गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं, फिर कस्टमर कितने फीट पे कब्जा है, हम इमेजिन कर सकते हैं आप? हाँ जी, 5-10 फुट है ये, यहाँ आपके पास 10 फुट बचती है, 40 में से 25 फीट पे कब्जा है। 10 फीट आपके पास बचती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, 25 फीट पे कब्जा है, जो बाकी बचती है उस पे लोडिंग अनलोडिंग शुरू हो जाती है। तो इसका क्या करेंगे फिर? इसका फिर यही है कि हल करने चलान हम करते हैं अपने, 25 जब कितने चलान करेंगे, बात इनकी ठीक है, लेकिन तावन 50,000 चलान करें वो भी कम है, वो खाली यहाँ पे पार्किंग देनी चाहिए हुकूमत को, देखिए पार्किंग प्लाजा बनाना चाहिए, 1-2-3। रजा साहब मेरे साथ है जी, रजा साहब मुझे बताइए कि ये तो 25-25 फीट पे कब्जा है, अब यहाँ से देखें वो दुकान तक कितना कब्जा बनता है? मसला यही है, मैंने आपको बताया कि इधर ना तो सर्विस रोड है, इस पूरे एरिया में कोई सर्विस रोड नहीं, ना ही कोई पार्किंग प्लाजा, सिर्फ एक डी प्लाजा पार्किंग है, और टोटल यहाँ पर जो कमर्शियल एरिया है वो तकरीबन 90% ये सारा एरिया सारा कमर्शियल एरिया है। कमर्शियल एरिया के लिए सिर्फ एक ही प्लाजा है, डी प्लाजा। उसके अलावा आप मुझे बता दें कि अगर कोई गाड़ी यहाँ से लिफ्ट करते हैं उसको रखना किस जगह पर है? एक बिल्डिंग के अंदर ही 3 थाने, रंगमहल, मोची, ग्वाल मंडी थाना, उसके अंदर जिस तरह कल हमने अभी 2 कंटेनर बंद करवाए उनके खिलाफ FIR दी है, वो अभी तक वो बाहरी खड़े हैं, बाहरी पार्क है सड़क के ऊपर, ट्रैफिक ब्लॉकर्स की वजह से उन्होंने एक साइड पर करवाया ना, तो वो यही प्रॉब्लम यही है कि इस एरिया में कोई पार्किंग के लिए कोई मुनासिब जगह नहीं, गवर्नमेंट को चाहिए तो कम से कम इधर 2 या 3 प्लाजे हो पार्किंग के लिए। सर इस इश्यूज पर मेरे ख्याल सीटीओ साहब ने इंतजामिया को भी लिखा है और उन्हें भी बताया कि सूरत हाल जो है उसे कैसे बेहतर किया जा सकता है। राणा साहब मुझे ये बताइए जी, आप क्या कहने लगे चाचा? मुल्क चो कानून को नहीं ला कानून ये दुकाना वाले जेडे ने वो धक्केशाही कर देने, पुलिस वाले का की बेचारे बतेरा सजे खबे आते ने, ला कानून ये आ गई समझ जगागीरी ना दी तब्दीली सारा कुछ। ये आप देख सकते हैं यहाँ की सूरत हाल, और इस सूरत हाल में कैसे मुमकिन है कि यहाँ ट्रैफिक का निज़ाम जो है उसे बेहतर किया जा सके।
ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर करने के लिए राणा साहब यहाँ मौजूद हैं, रजा साहब मौजूद हैं, इनकी पूरी फोर्स कोशिश करती है कि निज़ाम को बेहतर कर सके, लेकिन कोई किसी लेवल पर इनकी तरफ से जो काविशियाँ वो रंग ला ही नहीं सकती। बुनियादी बैरियर्स हैं कुछ, और वो बैरियर्स इतने बड़े हैं कि ये अगर चाहें भी तो हालात को बेहतर नहीं कर सकते। क्योंकि सबके मसले हल कर रहे हैं, इस शालमी का मेन मसला ये है, ये बैंक देख रहे हैं आप, ये कैमरा इस तरफ करें, बैंक देख रहे हैं, इसके गार्ड यहाँ पे आके 150-150 रुपया मांगते हैं कि 150 रुपया दे, हम गाड़ी यहाँ पे लगाते हैं। इंसानियत नहीं है, ये बैंक वालों की जगह के गवर्नमेंट की जगह, मुझे बताएं ना, गवर्नमेंट की जगह तो पूछे बैंक वालों से ये पैसे किस चीज के ले रहे हैं। ये देखे, ये डब्बा लगाया हुआ है, आगे गाड़ी लगाने नहीं दे रहा, ये कुछ भी इनको कोई रोक टोक नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, बस तोड़ फोड़ में लगे हुए हैं। ये गाड़ियां इनके की लगी हुई है, ये जगह इनके की है, क्यों नहीं जो हमें गाड़ी लगाने देते यहाँ पे, पूछे जरा इनसे, पूछे इन ट्रैफिक वालों से, 200 रुपया मांग रहे किस चीज़ का। ठीक कह रहे, ये पार्किंग प्लाजा है, डी प्लाजा, आप गए हैं वहाँ? हाँ जी, गए हैं वहाँ पे, हम डेली के यहाँ पे आने वाले हैं, इस बैंक में हमारा कौन भी है, आप गए हैं उधर, मैं हमारा वहाँ काम ही नहीं है। आप कंप्लेन कुछ और कर रहे हैं, आप इनकी कंप्लेन कुछ और है, ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यार ये पैसे लेते हैं 150-150 रुपया गाड़ी लगाने का, 150 रुपया, ये देखे जगह खाली पड़ी हुई है, ये गाड़ी लगाने नहीं दे रहे, अगर तो ये गवर्नमेंट की जगह नहीं है, इनकी प्राइवेट है, इसकी रजिस्ट्री दिखाएं, बुलाएं गार्ड, ये गार्ड खड़े हैं, बुलाएं इनको, दुकानदार नहीं लेंदे, ये गलत गल कर रहे हैं, गार्डों का कह रहे हैं, पार्किंग गार्डों का नहीं है, मसला तजावजात नहीं है, पार्किंग मसला है, पार्किंग प्लाजे बुरान बारो शालमियों बंद करने ट्रैफिक, लेकिन उसका ये मतलब भी तो नहीं है ना कि हुकूमत की जगह पे कब्जा हो जाए, नहीं नहीं कोई कब्जा नहीं है, ये मतलब तो नहीं, ये एक बरामदे खाली का जिक्र है, एक बंदे की बात कर रहा है, बात तो शालमी की है, ऐसा नहीं है, शालमी में जितने भी बैंक ट्रैफिक वाले ना हो इधर, क्या कह रहे हैं ये आगे बैंक है, ये भी है, जितने भी टोटल बैंक है सब गार्ड पैसे मांगते हैं, कोई आज तक रोकने वाला नहीं है, कोई बैंक का मैनेजर रोकने वाला नहीं है, हम पागल हो चुके हैं इनको पैसे दे दे के, ट्रैफिक वालों को, बाहर से ट्रैफिक बंद करें, और जैसे ये फूड स्ट्रीट बनी है और लोडिंग का मसला भी कोई टाइम तय करें, बने बिजनेस स्ट्रीट बाहर से बंद करें, रात को 10 बजे यहाँ गाड़ियाँ आए, सारा दिन पैदल लोग खरीदारी करें, ये असल मसला है, दिखा दिया जी, दिखा दिया किसी को गाड़ी लगानी, कंप्लेन आप इस पे देखें जी, क्या सूरत हाल है, लिफ्टर मंगवा के ना, लिफ्टर मंगवा के क्लियर करवाओ जरा, ये जरा देखें जी क्या सूरत हाल, ये आप सूरत हाल देख सकते हैं, लोगों के मसाइल जो हैं उसकी बड़ी तादाद है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ भी कोई पार्किंग की कोई जगह नहीं है, ना ये सारी सड़क पार्किंग के लिए है, हम कह रहे हैं कि ये जितनी भी पार्किंग के लिए यहाँ जगह जो है उस पर कब्जा किया गया है, यहाँ खड़े हो जी, इधर आइए कैमरामैन साहब, और ये दिखाइए आप अपने एरियल शॉट से कि कहाँ तक आपको पार्किंग नज़र आएगी, आपको दूर तक कोई मुकाबिल नज़र नहीं आएगा, क्योंकि आपको पार्किंग नज़र आएगी, और इस पार्किंग में लोग फिर सुस्त रवि का शिकार हो जाते हैं, उनकी ट्रैफिक जो है उसके मसाइल, ट्रैफिक का बहरान यहाँ से जन्म लेता है, लोगों को कोई प्रॉब्लम है, कोई हार्ट का प्रॉब्लम है, किसी को कोई मसला हो जाए, खुदा न खाया आती जदगी का मसला हो जाए, तो सारे मसले जो, ये आप देखें बहुत बड़ा स्टैंड है, ये पार्किंग का स्टैंड है, सलाम अलैकुम, क्या हाल है आपके, तबीयत कैसी, इतना बड़ा पार्किंग स्टैंड देखें, ये नजायज है ना आपकी जमीन पे, ये नजायज है, इसकी वजह से क्योंकि हर इंसान को चलने वाले को बहुत तंगी होती है, चलने वाले को भी, और देखें जो देखें ना स्टैंड तो होने नहीं चाहिए, एक जैसे रूल होता है ना जैसे बाहर के मुल्कों में होता है, हर इंसान को जुर्माना पड़ना चाहिए, दुकान को जुर्माना पड़ना चाहिए, ये जुर्माना होना चाहिए क्योंकि हर इंसान अपने, ये पार्किंग स्टैंड किनका है, ये पार्किंग लोग लगा के जाते हैं इधर, खुद है किसका, ये ली पार्किंग है, कौन है ये ली पार्किंग है, लाहौर पार्किंग का भाईजान अस्सलाम वालेकुम, एक मिनट अदा करें यार, इतनी दूर से आपसे मिलने आते हैं, आप लिफ्ट ही नहीं करवाते, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके, सेहत कैसी है, अच्छी शर्ट पहनी आपने, प्यारे लग रहे हैं, मुझे ये बताएं कि ये पार्किंग ली पार्किंग है, जी सर, तो आप यूनिफॉर्म वगैरह नहीं पहनी आपने, उसकी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म सर खत्म कर दी, और वो कहाँ है आपका पंचर, जहाँ से आप वो जो डिवाइस आपकी जिसपे आप पंच करते हैं वो खत्म हो गई थी सर, तो आप किस पे हैं, तो ये तो जगह ही सारी की सारी हुकूमत की जगह है, हाँ जी सर हुकूमत ही चला रही है इसे, नहीं तो सड़क पे आप पार्किंग स्टैंड कायम कर दिए हुए हैं सर, ये लगे हुए कैमरे इनके, ये लगे हुए साइन बोर्ड लगे हुए इनके, नहीं ली पार्किंग के पास अपनी जगह ही नहीं थी, ये ली पार्किंग के आज सड़क देखे ना, ये तो इसी तरह है कि हुकूमत गए कि इधर से आप टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दें और ये आज से हमारी जगह है और ये रेवेन्यू इकट्ठा करें, बात समझ आ रही,
ली पार्किंग का मतलब होना चाहिए था कि आप अपनी जगह देते कि भाई जान ये पार्किंग है, ये आपकी जगह है, यहाँ आए और रोड को ब्लॉक ना करें। ये तो आपने कितने फिट रोड कब्जा है? ये दो लाइने हैं सर। दो नहीं है सर, चार लाइने। ये दो कहाँ हैं? ये कितना कितनी लंबी और कितनी चौड़ी है, कितनी की इजाज़त है आपको? दो लाइनों की। सिंगल लेन की इजाज़त थी? नहीं, दो लाइने सर। ये दो तो नहीं है, नक्शे में सर हमारे हैं, नक्शे में हमारे हैं, नक्शे में। ये पाँच दो लेने कहाँ हैं? ये तो तीन लेन है और ये आपने सीधे करके भी लगाए हैं, चार लेने बना दी हैं। ये देखें, वन लेन जी, थ्रू आउट लेन, ये वन लेन। आप कहाँ जाने देंगे पर्ची के बगैर सर? इस पे पर्ची नहीं दी आपने? जिसको जगह नहीं मिलती सर वो ऐसे छोड़ सर। इस पे पर्ची दी होगी ना आपने? कुछ कह नहीं। आप मुझे पता है होशोहवास में होते हैं, आप पर्चियां बांटते हैं, मुझे पता है, एक्टिव बंदे हैं, पूरे पूरे कमांडो है मुझे पता है आप पार्किंग के। ये सर एक लेन हो गई, मेरे कैमरामैन अगर मेरे साथ थोड़ा दिखा सके। ये सिंगल वन लेन, ये आपकी टू लेन हो गई, वो बीच में थ्री लेन, वो फोर्थ लेन। चार लेन का रेवेन्यू आ रहा है, चार लेन का रेवेन्यू। क्यों सर जी? ऐसे ही है सर। ऐसे ही है, क्या हाल है इसका फिर? आवाम तो बेचारे, इधर ऑपरेशन का क्या फायदा हुआ अगर ये पार्किंग स्टैंड इसी तरह रहने हैं तो? ये हम तो नहीं सर कुछ कह सकते। आप बाकी आपकी मजदूरी है, आप अपना काम कीजिए, बहुत शुक्रिया आपका जी। ये असल मुद्दा है जी, यहाँ अगर आपको बड़े पैमाने पर पार्किंग स्टैंड्स नजर आएंगे और वो कहाँ कायम है? सड़क के ऊपर। और पार्किंग, ली पार्किंग के मसाइल और पार्किंग कंपनियों के मसाइल, इस पर बहुत सारे करप्शन की होशरुबा दास्तानें आप सारी सुन चुके हैं, बहुत सारे लोग डिटेन हैं, इस पर केसेस चल रहे हैं, मामला सारे आपके सामने हैं। हमारे व्यूअर्स जो हैं वो फॉलो करते हैं प्रॉपर।